सो हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप गाइस सब अच्छे होंगे। तो फाइनली हम आज वीडियो में एक इवेंट को कवर करने वाले हैं जो कि आपको बीजीएमआई और पबजी मोबाइल दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। और लिटरली अगर बात करूं इस इवेंट को लेकर तो गाइस इसके अंदर आपको एक परमानेंट बैकपैक मिलने वाला है, वो भी एक लेजेंडरी बैकपैक। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एट द एंड आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले गाइस आपको लॉबी में चले आना है। अब यहाँ पर आपको इवेंट सेक्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर कुछ एड रन कर रहे होंगे, तो सबसे पहले वाले एड को आपको ओपन करना है। एंड जैसे ये ओपन होगा तो गाइस आपके सामने एक इवेंट ओपन हो जाएगा फ्यूचर लैब करके। और इस इवेंट का अगर टाइम पीरियड देखा जाए गाइस तो वो आपको देखने को मिलता है 27 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक, यानी कि इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है इस इवेंट के अंदर। चलो तो अभी यहाँ पर मैं आपको इस इवेंट की कंप्लीट डिटेल दे देता हूँ कि किस तरीके से कंप्लीट होगा, इसमें क्या क्या रिवॉर्ड्स है, किस तरीके से वर्क करेगा। तो अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा करंट स्कोर, तो गाइस इस स्कोर को आपको 100 करना होगा। जैसे ही आप 100 करेंगे तो आपको एक लेजेंडरी बैकपैक मिलने वाला है, वो भी पर्मानेंट। चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ये बैकपैक कैसा दिखने वाला है। वैसे दिखने में बहुत ओपी लग रहा है, एक लिटरली डिसेंट सा आपको यहाँ पर बैकपैक देखने को मिल जाता है। वैसे इस बैकपैक के तीनों ही फॉर्म काफी बढ़िया हैं। और अगर इस बैकपैक का नाम देखा जाए गाइस तो हार्ट ऑफ द सी बैकपैक, यानी कि समुद्र का दिल, हाँ शायद कुछ ऐसा ही बोल सकते हो। चलो तो गाइस अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर स्कोर करना होगा 100 और कैसे आपको यहाँ पर ये बैकपैक मिलने वाला है। तो अभी यहाँ पर आपको एक लैब दिख रहा होगा, इसको कम्प्लीट करने के लिए आपको कुछ बैटरीज की जरूरत पड़ने वाली है और ये बैटरीज आपको मिलेंगी इस मिशन के अंदर से। अभी आप यहाँ पर कुछ मिशन देख पा रहे होंगे, इन मिशन को आप जैसे ही कंप्लीट करोगे गाइस तो आपको यहाँ पर बैटरीज मिल जाएंगी और उन बैटरीज की हेल्प से आप यहाँ पर अपनी जो कार है उसको चला पाओगे। सो अभी गाइस यहाँ पर आपको एक लैब दिख रहा होगा या फिर आप राउंड बोल सकते हो, तो यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का कार दिख रहा होगा जो कि टेस्ला का है। तो जैसे जैसे ये कार आगे बढ़ती जाएगी गाइस उसी तरीके से आपको यहाँ पर पॉइंट्स भी मिलते जाएंगे। अभी यहाँ पर आपको पॉइंट्स कैसे मिलेंगे तो यहाँ पर आपको गो का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका एक बैटरी यूज होगा और उसके चलते आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अभी देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 3 पॉइंट्स मिले और मेरा जो करंट स्कोर है वो 3 हो चुका है। तो जिस तरीके से आपकी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी गाइस उसी तरीके से आपको यहाँ पर पॉइंट्स भी मिलते जाएंगे। और इसके अंदर और भी ऑप्शन मिलते हैं आपके पॉइंट को ज्यादा स्कोर करने के लिए। तो गाइस आपको जो टेस्ला कार है अभी जो आगे बढ़ा है, जैसे ही आप इसका पूरा सर्कल कम्प्लीट करवाओगे तो आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। इसी तरीके से आप अगर इसके 2 राउंड कम्प्लीट कर लो गाइस तो ये जो कार है चेंज हो जाएगी, जैसे आपका 3rd राउंड होगा तो आपका यहाँ पर ये गाड़ी अनलॉक्ड हो जाएगा, यानी कि आपको और ज्यादा पॉइंट मिलेंगे इस गाड़ी को अनलॉक करने के बाद। इसी तरीके से आपको जो 5th राउंड होगा गाइस उसके अंदर ये वाला कार अनलॉक्ड हो जाएगा और फिर आपको और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे उस तरीके से आपके पॉइंट भी ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। और यहाँ पर गाइस ऐसा नहीं है कि अगर आप सर्कल को कम्प्लीट करें तो आप हर बार यहाँ पर प्लस में ही आपका स्कोर काउंट होगा, कुछ प्लेसेस पे आपको यहाँ पर माइनस में भी स्कोर देखने को मिलता है, यानी कि इनकेस अगर आपका गाड़ी वहाँ पर रुकता है तो आपको जो करंट स्कोर है वो माइनस हो जाएगा। और कुछ प्लेसेस पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे होंगे तो उसके अंदर गाइस आपको रैंडमली कुछ भी मिल सकता है, प्लस भी मिल सकता है या फिर माइनस भी लग सकता है आपका। एंड इसी के बीच में आपको एक बूस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर इनकेस आपका गाड़ी वहां जाकर रुक जाता है तो आपको रैंडमली कुछ भी प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। और अभी तक गाइस अगर इस इवेंट को लेकर आपके कुछ डाउट्स है तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार और समझा देता हूँ कि इस इवेंट के अंदर आपको क्या करना है। तो शॉर्टकट लिए आपको बस इतना करना है कि इस इवेंट को आपको ओपन करना है और इसके अंदर आपको जो डेली मिशंस मिलते हैं आपको हर रोज कंप्लीट करना है और इसके बाद आपको इस बैटरी पे गो करना है, तो आपको रैंडमली कुछ भी पॉइंट्स मिलते जाएंगे। इसी तरीके से आपको रोजाना करना है और जैसे जैसे आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे उस तरीके से ऑटोमेटिकली आपका कार भी चेंज हो जाएगा और आपके प्लस पॉइंट भी ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। यानी कि बस आपको यहाँ पर शॉर्ट में यही काम करना है कि आप डेली मिशन कंप्लीट करो और उसके बाद आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते जाओ और जैसे 100 पॉइंट होता है तो आपको यहाँ पर लेजेंडरी बैकपैक भी मिल जाएगा। आई होप गाइस आप सभी को इवेंट अच्छे से समझ आ गया हो किस तरीके से कंप्लीट करना है। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ भी इसे जरूर से शेयर करना और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना और चैनल पे आप अभी तक नहीं हो तो क्या करो मेरी जान, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल का भी ऑन करो ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं जल्दी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू गाइस।